और प्रधानमंत्री मोदी ने इस जीत पर बधाई भी दी है। कुछ मिनट पहले ही भारत ने अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में बहुत ही शानदार जीत दर्ज की है। मैं टीम भारत को, सभी भारतवासियों को इस ऐतिहासिक जीत की बधाई देता हूं। तो इस ऐतिहासिक जीत की बधाई भी प्रधानमंत्री ने दे दी। विश्व कप में फिर पाकिस्तान पिटा, भारत का तूफान उड़ गया पाकिस्तान। भारत ने अहमदाबाद में पाकिस्तान को पटका, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को फिर से दिया झटका। चला है रोहित का बल्ला, पाकिस्तान में मचा हल्ला। भारत की घातक गेंदबाजी, फस्त हुई पाक की बल्लेबाजी। 5 गेंदबाजों का डबल, टूट गया पाक का मनोबल। भारत की लगातार तीसरी जीत और विरोधी भय भी, ये स्थितियां रही। और लगातार जीत के बाद जश्न के सिलसिले शुरू हो गए। जगह जगह से जश्न की तस्वीरें भी लगातार आ रही हैं। प्रार्थनाओं का, दुआओं का दौर चल रहा था। यह दरअसल एक ऐसा मुकाबला है, इन दो देशों के बीच का मुकाबला, जिस पर पूरी दुनिया की निगाह होती, ना सिर्फ भारत पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की निगाह इस मुकाबले पर होती है, चाहे किसी भी मैदान में वो हो। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, अलग अलग जगहों से जश्न की तस्वीरें। जीतेगा तो भारत ही, और आखिरकार वही हुआ। अलग अलग जगहों से जश्न की तस्वीरें शुरू हो गई हैं। टीम इंडिया की जर्सी पहनकर अपने अपने तरीके से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। आतिशबाजी शान से फहराता हुआ भारतीय तिरंगा लोगों ने अपने हाथों में ले रखा है। अलग अलग जगहों से ढोल नगाड़े बाजे गाजे ताशे। ये और बात है कि कुछ लोगों को पटाखे फोड़ने का मौका मिल ही नहीं पा रहा है, 7-7 बार से नहीं मिल पा रहा है। उम्मीद लगा के बैठे थे, इस बार भी पटाखे ला के बैठे थे, इस बार भी नहीं मिल पाया। 7 विकेट से टीम इंडिया की शानदार जीत। तो एक बार फिर समझ लीजिए, विश्व कप में फिर पिटा पाकिस्तान, भारत का तूफान उड़ गया पाकिस्तान। भारत ने अहमदाबाद में पाकिस्तान को पटका, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को फिर झटका। चल गया रोहित का बल्ला, पाकिस्तान में मचा हल्ला। भारत की घातक गेंदबाजी, फस्त हुई पाक की बल्लेबाजी। 5 गेंदबाजों का डबल, टूट गया पाक का मनोबल। भारत की लगातार तीसरी जीत और विरोधी भय भी। जश्न की तस्वीरें भी अलग अलग जगहों से, रंगारंग आतिशबाजी का सिलसिला। और जैसा कि हमने शुरुआत में आपको बताया, दरअसल ये मुकाबला ही कुछ ऐसा है कि पूरी दुनिया की निगाहें इस मुकाबले पर टिकी होती है, सिर्फ भारत पाकिस्तान नहीं। तो शानदार जीत के बाद जिनकी निगाहें टिकी हुई थी स्क्रीन पर, जो पहुंचे हुए थे मैदान में, अब जश्न जश्न और जश्न। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कटक से अटक तक जश्न की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। अलग अलग जगहों की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मैदान से मिली इस खुशखबरी ने शानदार कर दिया शनिवार। ढोल नगाड़े बाजे गाजे, बम धमाके पटाखे सबके साथ मनोवैज्ञानिक रूप से भारत तभी मैच जीत गया जब बाबर आजम का विकेट गिरा और उसके बाद पाकिस्तान पस्त और ध्वस्त होता चला गया। बाबर आजम का विकेट भारत की जीत की बड़ी वजह। बाबर के आउट होने से पहले पाकिस्तान 30 ओवर में 2 विकेट पर 155 रन। बाबर के बाद कोई बल्लेबाज नहीं टिक पाया। गेंदबाजों की जबरा बॉलिंग भी एक बड़ी वजह। ये देखिए, फैंस तैयार थे जश्न मनाने के लिए और टीम ने मौका दे दिया, और इस शानदार जीत के साथ जब मौका मिला तो खुशी में कहीं कोई कमी रहनी नहीं चाहिए। यही वजह है, अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं।
शानदार जीत के बाद। इससे पहले 4 मार्च 1992 सिडनी भारत 43 रन से जीता, 9 मार्च 1996 39 रन से जीता, 99 मैनचेस्टर 47 रन। ये देखिए सिलसिले चल रहे हैं, आतिशबाजी के, पटाखों के, मिठाइयों के, ढोल नगाड़ों के, ताशों के सिलसिले शुरू हो गए हैं। दंतेवाड़ा से दिल्ली तक, दिल्ली से भोपाल तक, भोपाल से रायपुर तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कटक से अटक तक, ये सिलसिले जश्न के। भारत ने अहमदाबाद में पाकिस्तान को झटका और पटका दोनों दे दिया। ये सिर्फ जीत नहीं है, इस जीत में पाकिस्तान की धुलाई भी है। विश्व कप में भारत की धमाकेदार जीत, और न सिर्फ धमाकेदार जीत, पाकिस्तान की धमाकेदार पिटाई। देख लीजिए, बच्चे बूढ़े जवान हर कोई नजर आ जाएगा इस जश्न के रंग में डूबा हुआ, इस जश्न में डूबा हुआ। शानदार कर दिया शनिवार भारतीय टीम ने, प्रधानमंत्री मोदी ने भी जैसे ही इस बात का ऐलान किया जियो वर्ल्ड सेंटर में, वहां भी खुशी का शोर चहुओर फैल गया। पीएम मोदी ने टीम इंडिया को बधाई भी दी, 192 रन का टारगेट 30.5 ओवर में ही, 30 ओवर 3 बॉल में ही हासिल कर लिया गया। जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द मैच, पाकिस्तान की तरफ से इकलौता अर्धशतक बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान 49 पर, 5 इंडियन बॉलर्स ने 2-2 विकेट लिए। भारत की तरफ से रोहित के अलावा श्रेयस अय्यर 53 रन बनाए, और इस घनघोर जीत पर जश्न की ये तस्वीरें, अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं। दरअसल क्रिकेट का उत्सव ऐसा, क्रिकेट की दीवानगी ऐसी, और ये मुकाबला ऐसा है कि आज ही दिवाली, आज ही होली होगी। तो एक बार फिर भारत का तूफान उड़ गया, पाकिस्तान, भारत ने अहमदाबाद में पाकिस्तान को पटका, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को फिर दिया झटका। चल गया रोहित का बल्ला, पाकिस्तान में मचा हल्ला, भारत की घातक गेंदबाजी, पस्त हुई पाक की बल्लेबाजी, 5 गेंदबाजों का डबल, टूट गया पाक का मनोबल। भारत की लगातार तीसरी जीत, और विरोधी हो गए भयभीत, 7 विकेट से शानदार जीत, दिन बनाने वाली जीत, वीकेंड बनाने वाली जीत, जश्न मनाने वाली जीत, और उस जीत के बाद जश्न की ये तस्वीरें, हर किसी के हाथ में भारत का झंडा भी आपको नजर आ रहा होगा, बड़ी बड़ी स्क्रीन पर इस मुकाबले को देखा गया, और देखने के बाद अब जमकर सेलिब्रेट भी किया जा रहा है। विश्व कप में भारत की धमाकेदार जीत, प्रधानमंत्री ने जैसे ही इस बात का ऐलान किया, ऐलान यानी जानकारी जब उन्होंने दी, बधाई उन्होंने दी, शुभकामनाएं उन्होंने दी, भारतीयों को बधाई उन्होंने दी, टीम को बधाई उन्होंने दी, जियो वर्ल्ड सेंटर में भी खुशी का शोर सुनने में मिला, और अब कमोबेश भारत के हर बड़े शहर, छोटे शहर, गांव, गली, कस्बे, हर जगह से ऐसी ही तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को फिर से झटका, 8वीं बार, और 8 के सिंबल को अगर आड़ा कर दें, 8 को अगर आड़ा कर दें
तो वो बन जाता है अनंत का सिंबल, इन्फिनिट। अनंत जीत भी इसे कहा जा रहा है। विश्व कप में भारत की लगातार तीसरी जीत, 7 विकेट से शानदार जीत। 19 रन देकर 2 विकेट लेने वाले जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द मैच, रोहित शर्मा का पावर प्ले, और इरादे तो तभी साफ हो गए थे जब रोहित ने आते ही पहली गेंद पर चौका लगा दिया। वो उम्मीदों का चौका था जो सिर्फ बाउंड्री के पार नहीं गया, सरहद के पार तक को डरा गया, और आखिरकार वही हुआ, भारत शानदार तरीके से जीता। महलवाड़ा पे जमा हुआ है रतलाम शहर के जो क्रिकेट प्रेमी है, और ये तस्वीरें हैं, हाथों में तिरंगा लिए भारत की जीत का जश्न ये लोग मना रहे हैं। जमगी जमकर आतिशबाजी यहाँ पे हुई है, और ये गोल की थाप पर नाचते हुए रतलाम शहर के क्रिकेट प्रेमी। भारत ने वर्ल्ड कप में 8वीं बार पाकिस्तान को हराकर एक बार फिर से अपना लोहा मनवाया है। 200 के अंदर भारतीय जो गेंदबाज है उन्होंने पाकिस्तान को समेटा था, और आज एक बार फिर से रोहित शर्मा की आतिशी पारी देखने को मिली है। साथ ही साथ श्रेयस अय्यर ने धमाकेदार यहाँ बैटिंग की, और ये वो नज़ारा, ये वो तस्वीरें हैं रतलाम के क्रिकेट प्रेमियों की, खेल प्रेमियों की, जो अब जश्न यहाँ पे बड़ा जश्न दिखाई दे रहा है। तो कुछ लोगों से हम चर्चा करते हैं कि आज के मैच को लेके बड़ी जीत दर्ज की है भारत ने आज एक बार फिर से पाकिस्तान के ऊपर। एक बार भारत ने फिर से पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ी जीत दर्ज की है, और निश्चित ही हर क्षेत्र में, हर फील्ड में भारत हमेशा निरंतर हर बार पाकिस्तान के ऊपर अपनी जीत दर्ज करता है। और रतलाम के युवाओं में आप देख रहे हैं बहुत ही खुशी का माहौल है, सभी युवाओं में बहुत हर्ष की लहर है, और निश्चित ही चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, भारत हमेशा पाकिस्तान के ऊपर अपनी विजय श्री हासिल करता है और करता रहेगा। भारत माता की। वर्ल्ड कप का कप क्या भारत उठा रहा है इस बार? बिल्कुल 100% इस बार भारत हर चीज में आगे बढ़ रहा है, और इस बार वर्ल्ड कप ही है, 100% भारत का ही होगा। भारत माता की, भारत माता की जय के नारे के साथ में ये जोश जो अब हाई दिखाई दे रहा है। और क्रिकेट प्रेमियों का कहना है रतलाम शहर के इस बार हर अपने साथ लेकर आएगा। कैमरामैन नरेंद्र के साथ सुधीर जैन, न्यूज 18 रतलाम। पांचवा छठवा तो उतरेगा ही नहीं। तो 2011 का ट्रॉफी उठा रहे हम। 110% लिखी हुई है नाम तो ऑलरेडी।
See you guys. India! 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 और इस वक्त आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने भी इस जीत पर बधाई दी है। शनिवार की शाम शानदार हुई इस जीत पर भारतीय टीम तथा सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। जय हिंद। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उन्होंने भी टीम इंडिया को इस जीत के लिए, प्रचंड घनघोर जीत के लिए बधाई दी है। इस जीत पर यह भी लिखा है, फिर सीना गर्व से भर गया, जय भारत। जीत की सबको बधाई, जय भारत, ये उन्होंने लिखा है। बधाइयों के सिलसिले सबसे पहले प्रधानमंत्री ने ही कहा, जियो वर्ल्ड सेंटर से उन्होंने